मेरे मियांवाली के गयूर बहादुर बगो, आप वो लोग हो जिन्होंने सबसे पहले हमारे कप्तान, आप सबके कप्तान को आपने असेंबली में भेजा। मैं आपका तहे दिल से बल्कि पूरा पाकिस्तान मियांवाली के तमाम लोगों का शुक्रगुजार रहेगा कि आप लोग वो लोग हो जिन्होंने सबसे पहले हिम्मत की, सबसे पहले उस पाकिस्तान के शहर को, उस ना झुकने वाले को, उस ना फिकने वाले को आपने जो है वो पूरा आलम इस्लाम का सितारा बनाया। मेरे प्यारे मियांवाली के पाकिस्तानियों, जो सब कुछ हुआ आपके सामने है, जिस तरह इस इम्पोर्टेंट हुकूमत को अमरीका की ईमा पर पाकिस्तान के गैरतमंद लोगों के ऊपर मुसलत किया, उन लीडरों को जो कहते हैं कि कांट बेगर्स कांट चूजर्स, ये लीडर, ये सारे दो नंबर, ये सारे अमेरिका के पिट्ठू खुद भिखारी हैं, पाकिस्तान की कौम गैरतमंद कौम है। और प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मियांवाली के लोगों, जिस तरह अमरीका ने साजिश की, जिस तरह वो मुनाजरा है और इमरान खान साहब ने कौमी सलामती कमेटी में लेकर गए, कौमी असम्बली की कमेटी में लेकर गए, वफाकी काबीना में लेकर गए, जिस तरह पूरे पाकिस्तान को बताया कि पाकिस्तान की मुंतजिम हुकूमत, वो हुकूमत जिसने 1,70,00,000 वोट दिए थे, वो हुकूमत वफा की जो सबसे बड़ी पार्टी थी कौमी असम्बली में, उसको किस वजह से अमरीका ने हटाया, वजह क्या थी? वजह मेरे प्यारे भाइयों, इमरान खान का पहला कसूर, उसका कसूर ये था कि जब इसराइल को मानने की बात आई, जब दूसरे इस्लामी ममालिक ने भी माना, तो इमरान खान ने कहा कि इसराइल मगरिब का नाजायज बच्चा है, इसराइल को कभी भी नहीं मानेंगे जब तक वो फलस्तीन की।